वेलकम टू सौरभ लाइव ब्लॉग। और आज हम आए हुए हैं हमारे इंडिया गेट में, और यहाँ पर आने के लिए देखो कितनी पब्लिक यहाँ पे जो है क्रश है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे कोई इनॉग्रेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ की जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आइए चलते हैं हमारे इंडिया गेट और सफ़र को पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टनल है वो कितनी अच्छी टनल बनाई हुई है। अब जो पहले जो रास्ता था वो सीधा था इंडिया गेट के लिए, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर टनल बनाई जाती है कि टनल बनाई गई है कि वहाँ सीधे ही लोग जा सकें। पहले लोगों को क्रॉस करके जाना पड़ता था, एक्सीडेंट्स होते थे, उसके बाद से जो है यहाँ पर टनल बनाई गई और टनल के जरिए लोग जो है अपना आराम से लोग जा रहे हैं। देखिए आप कितनी भीड़ है, कितना क्रश है। और यही है काम जो लॉकडाउन में सरकार ने कराया है। तो चलते हैं टनल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकिंग के लिए भी इन लोगों ने जो है कितने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। तो यहाँ से हम सीधे निकल सकते हैं इंडिया गेट के लिए चेकिंग कराते हुए। देख सकते हैं हमारे इतनी अच्छी तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने जो है हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं एक तरह का ये। तो यहाँ पर इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, यहाँ पे जो है इंडिया गेट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। देखिए देखिए आप मजा लीजिए आप भी हमारे साथ। तो हमने टनल क्रॉस कर लिया है और अभी हम जो है आपको इंडिया गेट दिखाएंगे सीधा। हमने बस हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है, फिर हम जो है इंडिया गेट के ठीक सामने होंगे। तो चलते हैं, भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। देखते हैं आप लोग, हमने टनल क्रॉस कर लिया और टनल क्रॉस करने के बाद हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट के ठीक सामने। और आप 8 दिनों बाद इसकी ओपनिंग हुई है लॉकडाउन के बाद, अब ये खुला है इंडिया गेट हमारा। और देख सकते हैं आप कि जो है हमारा जो इंडिया गेट है देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें जो लाइटें हैं 3 कलर हमारे तिरंगे के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए आप भीड़ कितनी ज़्यादा है। के बाद दोबारा से इसकी जो शोभा है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है वो पक्की हो गई है। और लॉकडाउन के बाद जो है इसकी जो शोभा है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आप जो क्रश है, यहाँ पे जो भीड़ है उसको देखते हुए आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और हमारा जो इंडिया गेट है वो उसके बाद और भी ज़्यादा जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं बस हमारा एक और दोस्त मिल चुका है हमारे साथ इंडिया गेट पे, जॉब से आ रहा है। आप देख सकते हो बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे इंडिया गेट पे। अभी बुलाया तो हम आए। हाँ आए, हमारा दोस्त है बहुत प्यारा। और एक ये है, तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, योगेश विशाल एक वीडियो बना रहा है। योगेश जो हमने पहले दिखा दिया था, आपको बहुत सी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे और हमें फुहारा दिखाएंगे। और देखो भीड़ कितनी है यार यहाँ पे, इतनी भीड़ है बहुत। रात के 9 बज रहे हैं और इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। आओ आपको फ्रेंड देख सकते हैं, हम पार्क के पास आ चुके हैं। बच्चे खेल रहे हैं, हम बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे खिलौने से। और अभी हम वहाँ पहुँचेंगे फुहारे के पास। ये देखिए ये हमारे दोस्त फुहारे के पास पहुंच चुके हैं और ये चलते जा रहे हैं। हाँ जी सर, आपको कैसा लग रहा है फुहारे के पास पहुंचने? अच्छी फील हो रहा है। 2 साल बाद खुलाएंगे, 8 दिन हुए ओपनिंग के। दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं फुहारा और यहाँ का पानी। ये देखिए सर कितनी भीड़ है यहाँ। योगेश कितने सालों से नहाया? अरे कोई ना, हम नहा लेंगे। देखिए सर विशाल बोल जरा स्पीड भी तगड़ी वाली तो रोक देना एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फाउंटेन है वो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए और कलर्स देखिए यहाँ पे कितने प्यारे इसमें आ रहे हैं। कई दिनों बाद ये जब खुला है तो उतनी ही ज़्यादा इसकी जो खूबसूरती है वो हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। और उतनी ही यहाँ पे भीड़ है, लोग जो है इसका जमकर मजा ले रहे हैं, एकदम लुफ्त उठा रहे हैं एक तरह से इंडिया गेट का। यहाँ पे छोटे छोटे भवन है, यहाँ पे एक जो है फाउंटेन है, छोटे से फाउंटेन। यहाँ पे जो है लोग अपने पैर डाल के मजे लेते हैं, इंजॉय करते हैं।
अपनी भाषा में बवंडर भी कह सकते हैं छोटे छोटे, हम फाउंटेन भी कहना चाहेंगे। देखिए पूरा मजा ले रहे हैं हमारे सौरभ जिन्हों का यूट्यूब चैनल है, और देखिए वो बीच में क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, और ये बच्चे देखो हमारे मजे ले रहे हैं, उधर हमारी ये मैडम। तो आप देख सकते हैं हमारे जो YouTube चैनल के सौरभ लाइव व्लॉग हैं, ये देखिए भाई मैं पैर डाल के बैठे हुए हैं। हेलो भाई, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बढ़िया लग रहा है, मौज में। क्या क्या देख लिया भाई यहाँ पे? इंडिया गेट देख लिया। जाने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास, इनका जो स्टैचू बनाया है बहुत ही मनमोहक स्टैचू बनाया गया है, और हम लोग उधर की तरफ ही जा रहे हैं। और भीड़ तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो टाइम बढ़ता जा रहा है भीड़ भी उसी के साथ कम होती एक्सटेंड होती जा रही है, कम नहीं हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। देखिए बिल्कुल भी है आप, ये है लॉकडाउन के बाद की कलाकारी, अर्थात अब ये लॉकडाउन के बाद ही बनी हुई है, ये जो मूर्ति है ये पहले नहीं थी, ये हाल ही में इन्होंने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हमारा जो इंडिया गेट है उसकी जो शोभा है उसकी जो डेकोरेशन है देखो बढ़ती जा रही है, और जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मूर्ति यहाँ बनाई हुई है इन्होंने सुबह। यहाँ पर हमारी एक फैमिली है जो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही है यहाँ पे, वो आए हैं शाम को एकदम रात को, कैसा वो फीलिंग फील कर रहे हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। मैम का नाम अनु है। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम अभी जो है वहाँ पे आप पानी में बैठे हुए थे, हमारी वीडियो में आप रिकॉर्ड हुए हो, आपको कैसा लग रहा था वहाँ पे, कैसा आप फील कर रहे थे? हाँ मैंने तो हमने रिकॉर्डिंग किया है, कैसा लगा आपको? वैसे तो वीडियो का पता नहीं रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम जरूर देखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो था वो रिकॉर्डेड था सर। कैसे लगा सर आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा आप जानते हैं कि कई दिनों बाद ये जो है इंडिया गेट खुला है, हाँ बिल्कुल, है ना? तो आपने कैसे प्लान बनाया कि आज ही चलना है? आज संडे था तो सबसे बड़ी बात की आज संडे था, आज ऑफिस की छुट्टी थी सर की, तो देखिए सर की फैमिली के साथ सर आया तो सभी ने एंजॉय किया करा। थैंक यू सर, एक आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और ये बच्चा इसको प्लीज लीजिए। नाम क्या है बेटा? नाम क्या है? नाम पुच्ची है। हाँ नाम का नाम इनका पुच्ची नाम है, नाम पुच्ची है। देखिए कितना क्यूट बच्चा है, ठीक है। तो हम लोग हमारे जो टूरिस्ट हैं जो यहाँ घूमने आए हुए हैं उनसे पूछते हैं, उन्हें कैसा लगा ये हमारे भाई भैया? क्या नाम है आपका? अमन नाम है इनका। अमन आप बताइए आपको कैसे लगा यहाँ पे? जूम करिए इनकी साइड। अच्छा है, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा है यहाँ पे, मतलब तो ये घूमने आए यहाँ पे, और इनका कहना है कि यहाँ पे आकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो 2 साल बाद यहाँ जो है ये खुला है, और अभी कुल 8 दिन ही हुए हैं इसको खुले हुए, और उसके बाद जो यहाँ जो भीड़ है वो कैसे बढ़ गई है आप देख ही सकते हैं। और ये जो भाई थे इनका मानना है देखो कि यहाँ पर कितने दिनों बाद ये खुला है, और इनका भी आज ही जो है प्लान बना रात को ही कि इनको जाना चाहिए घूमने के लिए। देख सकते हैं आप ये एंजॉय कर रहा है बच्चा, पूरा एंजॉय कर रहा है। तो सर आपका नाम क्या है? असद नाम है सर का। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? आपको पता है कि कई दिनों बाद ये इंडिया गेट खुला है, काफी चेंज हो गया, काफी चेंज हो गया। इनका कहना है कि ये इंडिया गेट खुलने के बाद काफी चेंज हुआ है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो सर का कहना है कि जब पहले आए थे तो पहले से अब तक जो है काफी चेंज आया है, तो आप देख सकते हैं सर एंजॉय कर रहे हैं, फुल टू फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस टाइमिंग भी बहुत हो चुका है, तो अभी हम चलने की तैयारी करने वाले हैं, और प्लीज़ आप पिछला जो व्लॉग है बर्थडे वाला
मेरा वो भी देखें, और अभी अपने जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा हमारे साथ, आप भी घूमे थे एक तरह से, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लाइव ब्लॉग कैसा लगा और ब्लॉग को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ये लड़का पागल हो गया है। तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को खूब सारा प्यार देना, बहुत सारा। बाय बाय।